जुड़े हैं दीप, कोलकाता से हैं ये। दीप जी नमस्कार, कोलकाता से बोल रहे हैं आप? क्या किस टॉप पर सवाल है आपका ये भी बताइए। जी नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल है कि मेरे पास यस बैंक के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, एवरेज रेट 18 रुपए के हैं, ठीक है, और मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा हूँ, इसको मेरे को होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करके कोई दूसरे अच्छे शेयर ले लेने चाहिए? ठीक है, ये यस बैंक पर इनका सवाल है। एवरेज रेट अब इनका 18 का है और वहाँ से तो इनको मुनाफा हो रहा है हल्का, लेकिन विवेक जी सलाह दीजिए आप, यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? अभी ये जो लेवल्स आ रहे हैं और हम देखते हैं कि न्यूज़ बेस्ड एक्शन भी काफ़ी दिखता है, और अभी तो पूरा का पूरा मार्केट ही चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर हैं, इस वजह से यस बैंक भी आज 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन इस तेज़ी पर कितना रिलाय करें, इन्हें मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा लग रहा है? पूजा जी, पहली चीज तो यस बैंक मैंने भी गलती की थी, टू बी ऑनेस्ट, सब इन्वेस्टर्स के जैसे, और तो इसके लिए मेरे पर्सनल होल्डिंग में तो ज्यादा कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। बस एक ये है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट नहीं देखता हूँ, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म लॉस बुक मैंने कल ही बुक किया था, तो ये मैसेज आपको क्लियर रहना चाहिए, उससे ज्यादा मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पर्सनल होल्डिंग।